इस वीडियो में दिख रहे सांप के मुंह से निकलते हुए अंडों की कहानी बड़ी ही रोचक है। सांप के मुंह से जो अंडे निकल रहे हैं, ये अंडे सांप के नहीं हैं, बल्कि ये अंडे मुर्गी के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे? तो हम आपको इसकी पूरी कहानी भी बता देते हैं। बुधवार को सर्किट हाउस के एक कर्मचारी के घर में कोबरा सांप मिला। कैंट एरिया में स्थित इस रेस्ट हाउस परिसर में मुर्गियों का एक पिंजरा है, जिसमें रेस्ट हाउस के केयर टेकर ने मुर्गियों को पाल रखा है। बीते 4-5 दिन से पिंजरे से मुर्गियों के अंडे अचानक गायब होने लगे, फिर अंडों के साथ चूजे भी नहीं दिखे। केयर टेकर हैरान था कि आखिर अंडे और चूजे जा कहाँ रहे हैं। वह यह जान रहा था कि यह काम किसी पशु पक्षी का है। बुधवार की सुबह केयर टेकर ने पिंजरे में बाजार से लाकर 19 अंडे रख दिए। यह सोचकर कि जो भी अंडे चुरा कर खा रहा होगा, वह एक साथ इतने अंडे खाकर पिंजरे में ही फंस जाएगा, तरकीब रंग लाई, सांप पकड़ा गया। मुर्गियों के अंडे और चूजे खाने वाला 5 फीट लंबा कोबरा सांप निकला, जिसने 19 में से 12 अंडे एक साथ खा लिए थे, और उसका पेट इतना फूल गया कि वह पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाया। केयर टेकर ने पिंजरे में सांप को देखते ही सांप पकड़ने वाले अकील बाबा को सूचना दी, जिसने आकर कोबरा को काबू करके जैसे ही उसे पूंछ से उल्टा किया तो कोबरा ने एक के बाद एक 9 अंडे उगल दिए। बाद में उसे सर्प विशेषज्ञ ने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। नंबर सर्किट हाउस में PWD का जो रेस्ट हाउस है वहाँ से पकड़ा है, मतलब वहाँ मुर्गी के अंडे रखे थे और वो गोल हो रहे थे, तो फिर मालूम चला उन्होंने मुर्गी बिठा ली थी अंडों के ऊपर, उस पर 19 अंडे रखे हुए थे, तो ये कोबरा सांप घुस गया जिसमें से 12 अंडे वो खा गया था। फिर जब मैं पकड़ के लाया उसको पूछ से, तो उसने 10 अंडे बाहर निकाल दिए। फिर उसके बाद में मैंने उसको पकड़ लिया। उधर पीछे जंगल भी है तो वहाँ बड़े बड़े काफ़ी जहरीले सांप भी हैं। ये कोबरा प्रजाति का खतरनाक सांप है।